press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। दोस्तों, मेरा नाम आरके यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कैसे करें, कितना लाभ मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ HP विकलांग पेंशन योजना क्या है। तो हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019, इस योजना का लाभ सभी विकलांग लोगों को अपना खुद का खर्च उठाने के लिए दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ये योजना इसलिए चलाई गई है कि अक्सर समाज में देखा जाता है कि जितने भी विकलांग लोग हैं उन लोगों के साथ समाज के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है कि ताकि जो भी विकलांग लोग हैं वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, अपना आत्मनिर्भर रह सकें और अपना जीवन खुशी से बिता सकें। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी लोग 40% से ज़्यादा विकलांग हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना दी जाती है। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या क्या है। नंबर एक, जो भी लोग इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है वो 40% से ज़्यादा विकलांग होना चाहिए। नंबर दो, जिन लोगों की वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अविकसित हैं और 70% विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन दी जाएगी, यानी जो लोग मानसिक रूप से अविकसित हैं और जो 70% से ज़्यादा विकलांग है उन लोगों के लिए कोई इनकम का नियम नहीं है, उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो उन्हें पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आगे है हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है, यानी कितनी पेंशन इस योजना के तहत दी जाएगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 में सरकार के द्वारा अलग अलग प्रतिशत के अपंग नागरिकों के लिए अलग अलग धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी, यानी जो जितना परसेंट विकलांग है उसको उस आधार पर पेंशन दी जाएगी। जैसे जो लोग 40% से 69% तक विकलांग है उन्हें 750 रुपये सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। जो लोग 70% या फिर इससे ज़्यादा अपंग है उन्हें हर महीने 1300 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे और जो लोग 70 साल या इससे अधिक उम्र के विकलांग है उन्हें भी 1300 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों, आगे हैं हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और आप इस योजना के लिए अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति अपंग है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें, ये जानकारी उन लोगों को लिए नहीं है। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी विकलांग व्यक्ति हैं वो विकलांगता पेंशन योजना लेने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है, यानी जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसके अंदर उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति की पहचान करके सभी विकलांग व्यक्तियों के नाम की एक सूची तैयार की जाती है जो कि तहसील जिला कल्याण अधिकारी के सामने भेज दी जाती है और फिर जिला कल्याण अधिकारी है उनको पास कर देता है और उसके बाद में वो पेंशन योजना संबंधित अकाउंट जो कि फार्म भरते टाइम जो अकाउंट नंबर देते हैं उसमें आना शुरू हो जाती है हर महीने के आधार पर। दोस्तों, आगे है हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या योग्यता है। नंबर एक, आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। नंबर दो, 40% या फिर इससे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो भी डॉक्टर हैं चिकित्सक हैं उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो ही मान्य होगा। ऐसे लोग जो पहले से ही पुरानी किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आगे दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई विकलांग व्यक्ति 3 पहिया या 4 पहिया वाहन का मालिक है तो भी वो इस पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। नंबर आगे दोस्तों,
ऐसे विकलांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो भी इस पेंशन योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं? दोस्तों, नंबर एक, व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र होना सबसे ज़रूरी है। नंबर दो है, विकलांग व्यक्ति के पास हिमाचल प्रदेश का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो ये दर्शाता हो कि वो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है, यानी हिमाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे दोस्तों, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में उसके पास BPL कार्ड भी होना चाहिए। अगर ये दस्तावेज़ आपके पास हैं तो आप इस योजना का लाभ आसानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।